बाइक नंबर एक हार्ले डेविडसन सीवीओ, कीमत 53 लाख रुपए। बाइक नंबर दो इंडियन स्प्रिंगफील्ड लग्जरी बाइक, कीमत 33 लाख रुपए। बाइक नंबर तीन हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 बाइक, कीमत 5 लाख रुपए। बाइक नंबर चार BMW G310R बाइक, कीमत 3 लाख रुपए। इसे लग्जरी बाइक के शोरूम में मौजूद बाइकों की रेट लिस्ट समझने की गलती मत कीजिए। 53 लाख और 33 लाख की लग्जरी बाइक सड़क पर उतारी गई है किसानों के नाम, खेत खलियान बचाने के नाम पर। मिक्स ही है इसमें, ट्रैक्टर भी हैं, मोटरसाइकिल्स भी हैं, हार्ले डेविडसन है, बुलेट मोटरसाइकिल के क्लब भी हैं इसमें, और गारें भी हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोडर की ग्रुप हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, सभी हैं यहाँ पे। तकरीबन कितने लोग? तकरीबन आ जाएंगे कोई 500 प्लस हो जाएंगे सारे। सुनिए और गौर से सुनिए, लग्जरी गाड़ियों का ये रेला दो चार नहीं बल्कि 500 की तादाद में है। लुधियाना की सड़क को रौनते हुए दिल्ली कूंज का ऐलान करती है भीड़। लग्जरी गाड़ियों, बाइक्स और दूसरे व्हीकल पर सवार होकर आखिर किस किसान और किस खेती को बचाने की आवाज बुलंद कर रहे हैं? 53 लाख रुपए के हार्ले डेविडसन सीवीओ और 33 लाख रुपए की इंडियन स्प्रिंगफील्ड लग्जरी बाइक से सड़कों को रौंदने वाले खेती किसानी के नाम पर सड़क पर शोर मचा रहे हैं। लाखों की बाइक, कार और एसयूवी लेकर सड़क पर उतरी ये भीड़ खुद को किसान और किसानों का हमदर्द बताने वाली है। कोई अपने ट्रैक्टर मॉडिफाई करवा रहा है तो कोई 3.5 करोड़ के घोड़े को लेकर ट्रैक्टर रैली में मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इसका नाम क्या हुआ पापा जी? कबूतर घोड़ा। कबूतर घोड़ा, इसकी कीमत कितनी है? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ का ये घोड़ा है। लुधियाना हो या अम्बाला हो, इस वक्त हाईवे पर आपको ट्रैक्टर के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। सबकी तैयारी है दिल्ली पहुंचने की। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं। तो वहीं किसानों का जत्था भी लगातार अलग अलग रास्तों से पहुंच रहा है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में मार्च कर कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब तक 26 जनवरी को दिल्ली में आप जवानों की ऐसी परेड देखते आए हैं, लेकिन ये परेड किसानों की है। न्यूज नेशन पर आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इस कतार में आपको सभी किसान नजर आएंगे जिनमें से काफी उम्र दराज भी है, लेकिन जोश हाई है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दम जो दिखाना है, सरकार को अपनी ताकत का एहसास जो कराना है, लिहाजा रिहर्सल जारी है, ट्रैक्टर परेड की भी और पुलिस से लोहा लेने की भी। एक तरफ राजपथ से होकर गुजरने वाले टैंक हिंदुस्तान की ताकत दिखाएंगे तो दूसरी तरफ किसान दिल्ली मार्च में बख्तरबंद ट्रैक्टर के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराने की ताल ठोक रहे हैं। इरादा पक्का है, तैयारी पूरी है, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, इंतजार है गणतंत्र दिवस का। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की तैयारी किस लेवल की है, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझिए। लोहे की ग्रिल से इस ट्रैक्टर को किसी टैंक की तरह और भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाया जा रहा है। दरअसल एक तस्वीर काफी कुछ बयान कर रही है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर है और ये लोहे की ग्रिल जो है इसके ऊपर लगाई गई है, और साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर जो जाला है वो यहाँ पर लगाया गया है और काम जो है इसका चला हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बैठे हुए हैं इन्होंने
इस पूरे जो जाला है लोहे का ट्रैक्टर के ऊपर इसको बनाया हुआ है और साथ में काम भी जो है ये कर रहे हैं। ये मजबूत एक ढांचा जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा किया गया है ताकि जब ट्रैक्टर मार्च हो तो कोई पुलिस वाला या फिर जो टीयर गैसेस के जो शेल हैं वो अंदर तक ना पहुंच सकें, और साथ ही जिस तरह से जो पानी की बौछारें हैं वो भी जो है वो कम मात्रा में जो अंदर पहुंचे, तो उसके लिए जो है ये यहां पर मॉडिफाई किया गया है। ये सेफ्टी के लिए बनाया, अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, तो सिर्फ एक ही ट्रैक्टर या और भी ट्रैक्टरों पर कर रहे हैं? एक और तैयार करना है। अच्छा, और भी कर रहे हैं ट्रैक्टर? एक और कर रहे हैं। सवाल यही है कि ट्रैक्टर को लोहे की ग्रिल और नेट से ढककर मजबूत क्यों किया जा रहा है। इसके लिए आपको 2 महीने पहले की इन तस्वीरों को देखना समझना चाहिए। छब्बीस नवंबर की तस्वीरें पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर की है, जब दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ हरियाणा पुलिस का जबरदस्त संघर्ष हुआ था। उसमें लाठी, आंसू गैस के गोलों के अलावा पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। तब पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर किसानों का रास्ता रोक दिया था, मगर अब 2 महीने बाद किसानों ने 26 जनवरी के दिल्ली कूच के लिए पहले झेली गई उन सभी समस्याओं का तोड़ कुछ इस तरह से निकालने की कोशिश की है ताकि पंजाब से दिल्ली जाते हुए अगर पुलिस रास्ता रोके तो वो सुरक्षित दिल्ली पहुंच सके और परेड में शामिल हो सके। जिस ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया गया है अभी हम उसमें मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और जिस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया है चारों तरफ जो है वो लोहे की ग्रिल लगाई गई है, मोटी मोटी ग्रिल लगाई गई है और लोहे का जाला लगाया गया है। ये आइडिया कैसे आया आपको कि इस तरह से ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया जाए? हमें खट्टर सरकार ने दिखाया था 26 नवंबर को जब हम दिल्ली के लिए कूच किए थे, तो उन्होंने हमें मतलब पानी की बिछाड़े मारी, अथरू गैस के गोले मारे हमारे, तो लाठी चार्ज किया। सो उसके हिसाब से हमने ये ट्रैक्टर मॉडिफाई किया है। अब 26 जनवरी को जो परेड हो रही है उसमें लेकर जाएंगे जी इसको। सो इसकी आगे बोनट है उसके वो कवर किया हमने, ये पीछे अपने बचाव के लिए किया कवर, तो काफ़ी लोगों ने मॉडिफाई करवाए भी हैं। वो 26 जनवरी को परेड निकलेगी उसमें आपको सभी दिखाई पड़ेंगे। सो 7-8 ट्रैक्टर जो हमारे इसी इलाके में मॉडिफाई हुए हैं। यह है दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर, जहां दिल्ली के दूसरे बॉर्डर के मुकाबले कम किसान मौजूद हैं, लेकिन इन किसानों को पिछले कई दिनों से ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे साथ मार्च करना है, बाएं से मार्च कर। देखिए ये मार्च हो रहा है किसानों का, ये जवानों का नहीं, ये किसानों का मार्च है 26 तारीख के लिए, 26 तारीख गणतंत्र दिवस के लिए। लेफ्ट राइट लेफ्ट, 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 परेड थम, सलूट करेगा सलूट डाउन। और ये देखिए ये 26 तारीख की तैयारी हो रही है गणतंत्र दिवस का मौका, देश का 73वां गणतंत्र दिवस, जब राजपथ पर भारत का शौर्य देखने को मिलेगा, थल सेना, जल सेना, वायु सेना मौजूद रहेगी और उस वक्त देश का जवान भी दिल्ली की तरफ कूच करेगा। इसमें किसानों को बताया जा रहा है कि पुलिस के लाठीचार्ज से कैसे बचना है, अगर पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है तो अपना बचाव कैसे करना है, और अगर पुलिस रास्ता रोकने के लिए रबर की गोली दागती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, तो खुद को कैसे बचाना है। यहाँ किसानों की बाकायदा क्विक एक्शन टीम बनाई गई है जिसे पुलिस के किसी भी एक्शन से निपटने की एक्सरसाइज कराई जा रही है। तो अभी यहाँ पर 2 चीजें बहुत पहले हो चुकी हैं, एक तो टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं और वाटर कैनन भी चलाया गया। वाटर कैनन अगर हमारे लोगों पर फ्लो किया जाता है तो हमने QRT टीम बना रखी है, क्विक रिएक्शन टीम। मतलब वाटर कैनन से कैसे बचना है, आप लोग तैयार है? आपको बता दिया इन्होंने? अच्छा, क्या बताया है? बिल्कुल, ये हमारे गुरुजी हमें रोज सिखाते हैं हमें किस तरीके से पानी की बौछार से बचना है और आंसू गैस के गोले से बचना है। अब इन्होंने बताया कि अगर कोई हमारे ऊपर पानी की बौछार अगर करता है तो हमें बिल्कुल एकदम सीधा।
अच्छा ऐसे लेट जाना इन्हें। अपने को बचाव करना है, अगर ऐसा लग रहा है तो पीठ भी लीजिए, चेहरे पे कैनन का पैटर्न नहीं आना चाहिए, झुक के लेट के दौड़ के कैसे भी अपना डिफेंस करना। जो बुजुर्ग किसान है वो यहाँ पर मौजूद है, आप ऐसे लेट जाएंगे? बिल्कुल लेटेंगे। देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये बिल्कुल क्रॉल करने के लिए तैयार है। ये जज्बा जरा देखिए, इनकी उम्र 67 साल है और क्रॉल करने के लिए 10 दिन से ट्रेनिंग चल रही है। ये बताइए जरा आप कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं? हमें तो यहाँ एक महीना हो गया पूरा ट्रेनिंग करते हुए। सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तीनों कानून रिपील नहीं करेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तो 26 तारीख को बिल्कुल दिल्ली में घुसेंगे हम। धमकी है किसानों की? आप तो सब कुछ है, धमकी नहीं बहुत कुछ करेंगे। अगर 26 तारीख तक या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो अब हम स्वतंत्र हैं, हमने 2 महीने देख लिया यहाँ बैठ के। आप बताइए, सरकार कह रही है जितना देना था हमने दे दिया, इससे ज्यादा हम और नहीं दे सकते? अभी तो कुछ दिया ही ना सरकार ने। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों की 26 जनवरी वाली ट्रैक्टर रैली को ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। किसानों और पुलिस की मीटिंग में 5 रूटों पर सहमति बन गई है। तो इस 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस और दिल्ली वालों के लिए दोहरी चुनौती है। आपको बता दें कि 26 जनवरी पर जहां पर राजपथ पर देश की झांकियां निकलेगी उसे तो मैनेज करना ही है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि कई सारे ट्रैफिक रूट जो होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हुए हैं। अब जो ताज़ा जानकारी है, पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत हो गई है, कुछ रूट पर उन्हें अनुमति भी मिल गई है, लेकिन दिल्ली वालों को भी इस दिन ज्यादा जाम से दो चार होना पड़ सकता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं वो कौन से रूट हैं जहां पर इस बार ट्रैक्टर मार्च निकलना है। तो सबसे पहले ट्रैक्टर परेड का जो पहला रूट है सिंघू बॉर्डर, 63 किलोमीटर लंबा रूट है जहां पर सिंघू बॉर्डर से ये पूरा ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचेगा, वहां से शाबाद डेयरी बवाना टी पॉइंट होते हुए ये अपने अगले गंतव्य यानी कि कंझावला चौक तक जाएगा। इसके बाद औचंदी बॉर्डर और खरखौदा टोल प्लाजा पर यह रुक जाएगा। 5,000 ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे। अब ट्रैक्टर परेड का जो रूट नंबर 2 है उस पर भी एक जल्दी से नजर डाल लीजिए। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद जो किसान है उनका ये रूट होने वाला, 8,000 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। टिकरी बॉर्डर से शुरू होगा, नांगलोई नजफगढ़ और झरोड़ा बॉर्डर जाएगा। ये बताया जा रहा है 62.5 किलोमीटर लंबा यह रूट है। झरोड़ा बॉर्डर से रोहतक बाईपास यानी कि बहादुरगढ़ तक पहुंचेगा, फिर असोडा टोल प्लाजा पर जाएगा और फिर बॉर्डर पर खत्म हो जाएगा। आप ट्रैक्टर परेड का रूट नंबर 3 देख लीजिए वो क्या है। तो ट्रैक्टर परेड का रूट नंबर 3 यानी कि गाजीपुर, आपको बताया गाजीपुर बॉर्डर पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई किसान आए हुए हैं, वहां से 46 किलोमीटर लंबा है पूरा ट्रैक्टर परेड निकलना है। गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होकर अक्षरधाम जाएगा, अप्सरा बॉर्डर पहुंचेगा, वहां से मोहन नगर और 1,000 ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे। डासना और फिर लाल कुआं में जाकर ये ट्रैक्टर मार्च जो है खत्म होगा। और आखिरी रूट जो नोएडा और दिल्ली के बीच में जगह है जहां पर मौजूद है यानी कि चिल्ला बॉर्डर, वहां से 200 ट्रैक्टर का आखिरी ट्रैक्टर परेड का जो रूट है वो 5 किलोमीटर लंबा है। चिल्ला बॉर्डर से शुरू होकर होटल क्राउन प्लाजा पर पहुंचेगा, वहां से D&D जाएगा और वहीं पर ये ट्रैक्टर मार्च खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड के 4 रूट है उनकी डिटेल हमने अब तक ग्राफिक्स के जरिए पहुंचाई। तो दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन हम लोगों ने इस पर विचार कर ताकि इसका एक पीसफुल और एक डिसिप्लिन्ड सॉल्यूशन हो और एक विन विन सिचुएशन हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं। किसानों को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत देने के बाद अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने 26 जनवरी को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है और जब हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे तो पुलिस को अपनी निगाहें और चौकस रखनी होगी, क्योंकि देश के दुश्मन ऐसे मौके का नाजायज फायदा उठाने की फिराक में हो सकते हैं। ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा और भी इनपुट है देश के बहुत सारे जगहों से, ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे, ताकि एक
डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। किसान 26 जनवरी के मार्च को लेकर सिर्फ ट्रैक्टर, एसयूवी और बाइकों का ही इंतजाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक करोड़ों रुपए की कीमत के घोड़े से लेकर बास तक लाए गए हैं। ये बेशकीमती जानवर निहंग सरदार अपने जत्थे के साथ लेकर आए हैं। सिंघू बॉर्डर पर 3.5 करोड़ का कबूतर घोड़ा 26 जनवरी को सरपट दौड़ने के लिए तैयार है। इसका नाम क्या हुआ पापा जी? कबूतर घोड़ा। कबूतर घोड़ा, इसकी कीमत कितनी है? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ का ये घोड़ा है। ऐसी खासियत क्या है लेकिन इस घोड़े की जो इतनी कीमत है? ये कद करेगा इतना ऊंचा। अच्छा, अभी छोटा है ये? ये अभी 2.5 साल का बच्चा है। इसका जो बाप है 3.5 इंच से भी ऊंचा है। ये मालवाड़ी नस्ल है, प्योर नस्ल है। अच्छा, हाँ जी। सिंघू बॉर्डर पर आप लेकर आए हैं किस कारणवंश? क्योंकि इतना महंगा। अरे बाबा जी ने बोला भी यहाँ पे लेके आने, किसानों का मोर्चा तोड़ना, तभी आए हैं ये। अच्छा, हाँ। मोर्चे में शामिल होने। खासियत क्या है इसकी? क्या तेज दौड़ता है? घोड़े हैं, जंगी घोड़े हैं सब। सिंघू बॉर्डर पर निहंग सिख सैकड़ों घोड़े लेकर आए हैं। तो 26 जनवरी पर जिस तरह से राजपथ पर परेड निकाली जाती है, उस परेड में आपको कई तस्वीरें नजर आती हैं। उस दौरान शक्ति प्रदर्शन होता है और इसी तरह से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी अब पूरी तरह से किसान भी कर चुके हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप मुझे जिस जगह पर देख रहे हैं, मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और अब आप कहेंगे कि आखिर इस प्रदर्शन में मैं घोड़े पर सवार क्यों हूँ। दरअसल ये घोड़े जो है वो इस समय सिंघू बॉर्डर पर ही बड़ी संख्या में यहाँ पर उनको तैनात किया गया है और अब आप कहेंगे कि आखिर ये तैयारी किस चीज की है। तो ये तैयारी है 26 जनवरी की। आपको बता दें 26 जनवरी पर परेड होगी और इसी के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर अस्तबल बनाए गए हैं जिसमें बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में घोड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। और भी किस तरह की तैयारी है? क्यों भाई वीर जी, किस तरह की तैयारी बताइए कि किस लिए है? हमारी बिल्कुल जी, किसानों के साथ खड़े हैं हम जी। जैसे किसान हमारे बड़े जो हैं अहदेदार हैं, जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। बिल्कुल ये जो परेड होगी शांतिमयी होगी। आज तक जो आंदोलन चलता आ रहा है हमारा, बिल्कुल शांतमयी है। बिल्कुल भी कोई भी आज तक बता दो किसी ने कितने होंगे यहाँ पे घोड़े, कितनी संख्या में? हाँ जी, बहुत घोड़े होंगे जी, सारे चारे बॉर्डरों पे हैं। ट्रैक्टर आएंगे, ट्रक भी आएंगे, सारा कुछ चलेगा। खाली परेड होगी शांतमयी। घोड़ों के माध्यम से यहाँ पर क्या दर्शाया जाएगा, किस तरह का प्रदर्शन होगा? बिल्कुल शांतमयी से हम घोड़े लेके चलेंगे आगे आगे साथ उनके, किसानों के, ट्रैक्टरों के, जैसे भी हमारे जो जथेदार जी हैं जी। जैसे भी जो बोलेंगे वैसे हम चलेंगे जी। और शांतिपूर्वक ये पूरा प्रदर्शन होगा 26 जनवरी पर। जैसे परेड निकली जाती है, जिस तरह से हम देखते हैं वहाँ पर पशु भी होते हैं, घोड़ों की भी प्रदर्शनी होती, वही तस्वीर इस बार भी नजर आएगी और इसकी तैयारी भी बखूबी की गई है। यानी इस बार गणतंत्र दिवस पर एक तरफ राजपथ पर रणवीर राफेल गरजेगा तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर की धमक दिखेगी। एक तरफ राजपथ से होकर गुजरने वाले टैंक हिंदुस्तान की ताकत दिखाएंगे तो दूसरी तरफ बख्तर बंद ट्रैक्टर के जरिए किसान सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। यानी तैयारी पूरी है। जब देश और दुनिया की निगाहें दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड पर टिकी होंगी तो किसान भी अपनी हुंकार भरेंगे। बड़ा सवाल यही है कि 26 जनवरी को क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटेगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। टीम न्यूज़ नेशन।